नमस्कार, कंचन खाना खजाना में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बना रहे हैं दही वाले करेले, आलू करेले, जो बहुत ही मसालेदार और बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। देखिए, मेरे पास उबले हुए 8 आलू हैं, उबले हुए, मैंने पहले से ही उबाल करके रखे हैं। और ये करेले, जो इनका ये छिलका मैंने उतार करके और बिल्कुल निचोड़ लिया है ताकि उसमें कोई मॉइस्चर ना रहे। और ये मेरे पास 400 ग्राम करेले हैं, 400 ग्राम करेले, और मैं 100 ग्राम दही यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि आज की रेसिपी का नाम है दही करेला। दही करेला जो आलू डाल करके बहुत ही मसालेदार और बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनने वाली है। दही करेला, दही आलू करेला की सब्जी है आज की। तो आइए हम दही करेला आलू की सब्जी रेडी करते हैं। देखिए, इस तरह से हम इसको बीच में से इस तरह से काटते जाएंगे और अपने रिफाइंड में छोड़ते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह। ये देखिए, करेले की दो दो फांक बनाएं और इस तरह से छोड़ते जाएं। अब इसके अंदर हम एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे, जो इसकी कड़वाहट को ख़त्म कर देगा। देखिए, इस तरह से नमक स्प्रिंकल करते हुए ऐड कर देंगे। देखिए, करेले हमारे बहुत अच्छे से पकने लगे हैं। ये ग्रीन करेले हैं, इनमें मैंने नमक लगा के या कुछ करके नहीं रखा हुआ है। मार्केट से ला करके, छील करके और आधी आधी फांक करके मैंने इनको फ्राइड करना शुरू किया है। हमारे करेले अच्छे से फ्राइड हो रहे हैं और तब तक हम ये जो इनका छिलका उतारा है मैंने, इसको हम ओवन में ड्राई कर लेते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर नमक को स्प्रिंकल करते हुए, दो चुटकी मैंने नमक ऊपर स्प्रिंकल कर दिया इस तरह से, और हम अपने ओवन में लगा देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए ओवन में लगा रहे हैं। लीजिए, 5 मिनट का हमने लगा दिया है। और ये लीजिए, उबले हुए आलू हम इस तरह से लॉन्ग स्टाइल में काट लेंगे। ये देखिए, ऐसे लीजिए। हमारे ओवन में जो छिलका हमने रखा था ग्रीन वाला, वो बिल्कुल रोस्ट हो चुका है। देखिए इस तरह से। अब हम इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी कड़वाहट, मॉइस्चर सब ख़त्म हो गया है। और दही वाले आलू से मसालेदार, दही आलू मसालेदार, बहुत ही मज़ेदार करेले बनने वाले हैं। आप देखेंगे कि कितनी देर में मैंने इसको थोड़ी सी देर ढक कर पकाया है, ताकि मॉइस्चर में वो बहुत अच्छे से गोल्डन हो जाए। ये देखिए, कितने अच्छे से हमारे जो करेले थे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैंने 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकाया है, ताकि करेले मॉइस्चर में बहुत अच्छे से पक जाएं, अंदर से वो कोई भी कच्चा ना रहे। और हमारे करेले आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें करेला क्रम्स डाल रहे हैं, जो मैंने ओवन में ड्राई किया है, उसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो चुकी है। आप ये देखेंगे कि जो करेले का छिलका था, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन, कैल्शियम और बहुत कुछ होता है। आप देखेंगे, मैंने उसे भी यूज़ किया है और बिल्कुल भी सब्ज़ी हमारी कड़वी नहीं बनेगी। आप सोच रहे होंगे कि छिलका कड़वा होता है और कड़वी सब्जी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल उम्दा हमारी सब्जी बनने वाली है। अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। देखिए, ये मिक्स मसाला, ये गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी, नमक हमने डाल लिया है, और ये मिर्ची, ये देगी मिर्च, ये पिसा जीरा 1 चम्मच, और
पिसा धनिया 1 चम्मच, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, बहुत ही उम्दा, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनने वाली है। अब हम इसमें अपने जो आलू हमने उबले हुए रखे हैं वो ऐड कर लेंगे। लीजिए, आलू डाल लेते हैं और बहुत धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला जो है पूरी सब्जी में मिक्स हो जाए। आप देख रहे होंगे कि सब्जी एकदम फर्स्ट क्लास बन चुकी है, गुड लुकिंग बन चुकी है। दही करेला का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा और टेस्टी कॉम्बिनेशन है, दही करेला। लीजिए, बहुत ही बेस्ट बन चुकी है हमारी सब्जी। हल्का सा इसे ठंडा करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म में हम दही नहीं डालेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट से 3 मिनट तक थोड़ा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी जो 100 ग्राम थिक दही है, बहुत ही थिक उसकी दही जो 100 ग्राम हमने ली है वो इसमें ऐड कर देंगे। हमारे दही करेला बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएंगे। देखिए कितना अच्छे से मसाला सोख लिया है, बहुत ही मसाला स्पेशल हो चुका है और सब्जी में मिक्स हो चुका है। हमारे आलू और करेला, दही करेला जो बना है वो मसालेदार और मज़ेदार। लीजिए, जो मार्केट में अवेलेबल है, 3 चम्मच मैं ये प्यूरी डाल रही हूँ। 3 चम्मच बहुत हैं इतनी सब्जी के लिए। टमाटो प्यूरी है ये, जो मार्केट में अवेलेबल है, इस कहीं पर भी मिल जाती है बहुत आसानी से। टमाटो प्यूरी वो ऐड कर दी है मैंने और अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे और गैस बंद कर देंगे। सब्जी हमारी रेडी हो गई है और 1-3 मिनट ठंडी होने पर हम इस पर दही डालेंगे, जो कि दही करेला बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। सब्जी हमारी रेडी हो गई है, गैस हमने बंद कर रखा है और हम प्लेटिंग कर लेते हैं। लीजिए, फाइनली टच, जो इंग्रेडिएंट का नाम ही है, हमारी आज की वेजिटेबल का नाम ही है कि करेले वाली दही वाली सब्जी। आप कढ़ाई के अंदर ही जब बना रहे हो और थोड़ी सी ठंडी हो जाए वो, तभी स्प्रेड करना। मैंने प्रेजेंटेशन की वजह से यहाँ दही स्प्रेड की है। आप कढ़ाई के अंदर ही 100 ग्राम दही डालें और अच्छे से मिक्स कर लें अपनी वेजिटेबल को, सब्जी को। जो करेला दही मिक्स होने के बाद जो टेस्ट आएगा, आप देखेंगे कि बहुत स्पेशल सब्जी बन गई है। मैंने प्रेजेंटेशन की वजह से यहाँ पर दही स्प्रेड की है, अदरवाइज मैं भी कढ़ाई के अंदर ही इसे डालती और आप देखेंगे कि सब्जी बहुत ही उम्दा और दही करेला जो स्पेशल बना है, आप खाएंगे और चौंक जाएंगे। आपको अगर हमारी बनाई रेसिपी पसंद आ रही है तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।